इतिहास की क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्यकालीन भारत और छत्तीसगढ़ के इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि CGPSC और व्यापा में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न देखने वाले हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो पर जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो लोग साथ ही देखिए, 6 नवंबर को एग्ज़ाम है। किसका एग्ज़ाम है? SI प्री का। ठीक है, SI का एग्ज़ाम है। तो जो लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका कि रामायण दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्त्रोत जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, रेवाराम बापू जी, जो कि रामायण दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्त्रोत जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक थे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राज्य व्यवस्था लागू की है? तो 3 वर्षीय राज्य व्यवस्था लागू की है वो आपका चार्ल्स इलियट हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स कौन सा हो जाएगा? इलियट आपका पहला प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है? तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है, ये राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है? तो आप सभी को बिल्कुल पता है इसका आंसर बी होगा। ठीक है, राज्य का प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले हैं, राजकुमार बिंबाजी भोसले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया है? तो आप सभी को पता है कि कैप्टन हंटर के बाद कैप्टन सैंडिस को छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया है। किसे बनाया गया है? कैप्टन सैंडिस को बनाया गया है। ठीक है, साथ ही देखिए दोस्तों, जो आप सभी लोग चाहे आप व्यापम की तैयारी करो या PSC की तैयारी करो, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो लोग SI प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बेस्ट वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 नवंबर को उसका एग्ज़ाम है, तो जो लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है, डेली क्लासेस कराया जा रहा है और आज शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान की क्लास और होने वाली है, जो कि विगत वर्षों के प्रश्न होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि 1934 में छत्तीसगढ़ के हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो घनश्याम सिंह गुप्त की अध्यक्षता में गठित किया गया है। ठीक है, चलिए वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों को श्री गणेश किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से, ठीक है, समित्र मंडल के माध्यम से यहाँ पर श्री गणेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ कितने सूबों में बांट दिया था? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसका जल्दी बताइए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 सूबों में बांटा गया था। कितने सूबों में बांटा गया था? मराठों ने अपने शासनकाल को 8 सूबों में बांटा गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? तो छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कैप्टन एडमंड था। ठीक है, कौन था? कैप्टन एडमंड, ठीक है, एडमंड है, ठीक है, कैप्टन एडमंड है। नागपुर के भोसले शासक के शासनाधिकारी यानी कि क्षेत्र के छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1818 में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 1818 में। ठीक है, 1818 में इसका हो जाएगा। इसके बाद है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा के जन्मस्थली हैं, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्मस्थली आपका राजिम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राजिम हो जाएगा। विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित बलौदा बाजार में स्थित है। ठीक है, कौन सा है? बलौदा बाजार में स्थित है। ठीक है, जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, तो चर्चित जो रायपुर सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? देखिए, एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग गणित की तैयारी करना चाहते हैं उन गणित की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जाके हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर गणित की क्लासेस में परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन स्टार्ट किए गए हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
चलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ था आपको 1920 में हुआ था, ठीक है। 1920 में कौन सा समय में, मई में, ठीक है। 1920 में मई में हुआ था। इसके बाद देखेंगे कि वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, कान्यकुब्ज, ठीक है। क्या है, कान्यकुब्ज, ठीक है, कान्यकुब्ज। कब भोसले राजकुमार बिम्बा जी ने, कब से भोसले राजकुमार बिम्बा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया था, तो जल्दी बताइए प्रत्यक्ष शासन मराठा स्थापित किया गया था वो आपका हो जाएगा 1757, ठीक है। 1757 में कब बिम्बा जी भोसले ने प्रथम मराठा शासक, कौन है, बिम्बा जी भोसले, ठीक है। 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे, वो है आपका चार्ल्स इलियट, ठीक है, कौन सा है, चार्ल्स इलियट। इसके बाद कवि माखनलाल चतुर्वेदी को ब्रिटिश शासन ने किस वर्ष गिरफ्तार कर सजा दी गई थी, ये आपका हो जाएगा 1921, कब है, 1921, ठीक है, 1921 में रायपुर जिला के राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन 126 में हुआ था, ठीक है। वीडियो में एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का प्रसिद्ध सम्मेलन 126 कब हुआ था, आप ऑप्शन में जरूर बताएं कमेंट इसका, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन कब हुआ था, तो गोपाल कृष्ण गोखले का आगमन 1930 में हुआ था, कौन से साल में हुआ था, 1930 में, ठीक है। चलिए एलपी खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत का एम्पायर का प्रधानमंत्री मुख्य बने थे, वो आपका हो जाएगा रविशंकर शुक्ल, जैसे कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है ए, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में कब उठाया गया था, विधानसभा कब उठाया था, 1955 में, ठीक है, कब उठाया था, 1955 में, इसको याद रखिएगा एग्जाम में आता है। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को सर्वप्रथम विधानसभा में 1955 में उठाया गया था। मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस इसका कंप्लीट करा चुका हूँ, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि विगत वर्षों के प्रश्न है, ठीक है, आपको तैयारी करने में काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ था, तो प्रांत में विलय कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1948 में, ठीक है, कब हुआ था, 1948 में 1 जनवरी को, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार आप सभी को पता है कि महिमपत राव दिनकर है, ठीक है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में त्यागमूर्ति की उपाधि किसने दी गई थी, तो त्यागमूर्ति की उपाधि भी आप सभी को पता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह है, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला शासिका कौन है, तो आप सभी को भी पता है राज्य की प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी जी हैं, ठीक है, कौन है, प्रफुल्ल कुमारी देवी। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि में कौन जाना जाता है, ये पहला प्रश्न है जो एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, रुद्र प्रताप देव है, कौन है, रुद्र प्रताप देव है, जो कि सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है, ठीक है। होमरूलू लिंग योजना में रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो रायपुर जिले का जो प्रतिनिधित्व किया था राय बहादुर ने किया था, राय बहादुर ठक्कर ने, ठीक है। वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो कौन सी पत्रिका निकाली थी, ये तो आप ऑप्शन में देख ही चुके हैं, कान्यकुब्ज, ये हो चुका है। मध्य प्रांत एम्बरार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्री योजना प्रस्तुत की है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रांत एम्बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे, ये एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रांत एम्बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति ई राघवेंद्र राव है, ठीक है, ई राघवेंद्र राव, ठीक है, ई राघवेंद्र राव जी हैं, ठीक है, इसको नोट करते हुए चलिएगा, एग्जाम में आता है। इसके बाद किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा था, गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा था वो आपको पंडित रामदयाल है, ठीक है, रामदयाल, ठीक है, पंडित रामदयाल जी हैं जो कि तिवारी हैं, ठीक है, वही है। किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, तो आप सभी को पता है इसका सूरत आएगा, ठीक है, जो कि सूरत अधिवेशन के बाद गर्म दल और नरम दल को विभाजित कर दिया गया था। किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, तो देखिए CGPSC 2016 में पूछा गया है, बाकी सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन इसको मैं सिर्फ यही आपको दिखाने के लिए बताया था कि ये जितने भी क्वेश्चन है CGPSC और व्यापम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1863, ठीक है, कौन सा हो जाएगा
63, ठीक है, जो कि गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रसाद पोटाई जी हैं। ठीक है, कौन है, प्रसाद पोटाई जी हैं, राम प्रसाद हैं। ठीक है, रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने के लिए कितने व्यक्तियों को दिया था, तो 5 व्यक्ति को दिया था, इसको याद करना। ठीक है, 5 व्यक्ति को दिया गया था, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, इसको नोट कीजिएगा। अरिमंदन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासी ने जंगल सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था, तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है 1930 सितंबर में। ठीक है, 1930 सितंबर में, ठीक है, इसको याद करते हुए चलिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता रघुनंदन सिंह रावल है, कौन है, रघुनंदन सिंह रावल। ठीक है, इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे, तो कौन थे कांड के नायक, तो ये आपका होगा बिलख नारायण थे। ठीक है, बिलख नारायण अग्रवाल जी थे, छत्तीसगढ़ के CMO 2015 में पूछा गया है। ठीक है, कब पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो रायपुर डायनामाइट में जो हुआ था ना कांड, उसका है बिलख नारायण। ठीक है, ये परशुराम सोनी तो उसके लिए है, 1942 वाला है। ठीक है, रायपुर संयंत्र केस में कौन सा पुलिस का मुखबिर बन गया था, ये शिवनंदन है। ठीक है, जो शिवनंदन है जो पुलिस का मुखबिर बन गया था रायपुर केस संयंत्र में, और परशुराम सोनी जो वही है रायपुर संयंत्र केस वाला। ठीक है, प्रसिद्ध महासमुंद में जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो आप सभी को पता है कि गनौदा वाले हैं, शंकर राव गनौद वाले हैं। ठीक है, नारायण राव मेघा नहीं है, ये तो दूसरा है। 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी, तो आप सभी को पता है एग्जाम में आता है ये 17। ठीक है, 17 लोगों को फांसी दी गई थी 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर। ठीक है, 17 लोगों को रायपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, पूर्व रायपुर जिला काउंसिलिंग को अंग्रेजों ने 11 नवंबर 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था, तो आप सभी को पता है कि 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। और देखिए पंडित यहाँ पर कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार कौन थे, तो ये सुंदरलाल शर्मा जी है। ठीक है, कौन है, सुंदरलाल शर्मा जी हैं। ठीक है, कौन है, सुंदरलाल शर्मा जी हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। जुलाई 1920 किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह का आरंभ हुआ था, नहर सत्याग्रह कब आरंभ किया था, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा, कौन है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है। ठीक है, इसके बाद BNC मिल मजदूर हड़ताल यानी कि 1920 में अप्रैल में जो हुआ था तो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपका हो जाएगा ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी हैं। चलिए, 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह रायपुर का प्रादुर्धारण किसने किया था, प्रादुर्भाव किसने किया था, रविशंकर शुक्ला ने ही किया था। ठीक है, किसने किया था, रविशंकर शुक्ला ने ही किया था। निम्नलिखित में से अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पादक समाचार पत्र था हिंद केसरी, कौन था, हिंद केसरी। ठीक है, इसके बाद है ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंद केसरी में प्रकाशित लेखों के देश की दुर्दशा व बम बोले का रहस्य के कारण वर्ष 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, वो कौन है, तो ये माधवराव सप्रे जी है। ठीक है, माधवराव सप्रे जी आंसर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन कब हुआ था, ये भी CGPSC 2005 में पूछा गया है, तो आप सभी को पता है कि प्रथम आगमन 1920 में 20 दिसंबर 1920। ठीक है, 20 दिसंबर 1920 को, ठीक है, 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था। ये आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है। धमतरी तहसील के अनंतगढ़ यानी कि अनंत पड़ने वाली सिहावा नगरी के आदिवासियों में कब जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 1922 में हुआ था, कब हुआ था, 1922 में 21 जनवरी को। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, गठस शैली यानी कि गांव धमतरी वन सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप आंसर बताइए, नारायण राव मेघा वाले, नथुजी जगताप, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, और जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा।